नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट क्रैक एग्जाम। रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 RRB ALP एंड टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, एक और ALP का डाइवर्जन पैनल आपको देखने को मिला है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस जोन से किस जोन में आपका डाइवर्जन गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। उससे वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे डाइवर्जन पैनल आपका आया है RRB गोरखपुर का चेन्नई में। चलिए दोस्तों मैं आपको सीधा पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ जिस पे ये आपका डाइवर्जन पैनल की लिस्ट अपलोड की गई है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा हूँ जिसमें दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 24/9/2021, मतलब दोस्तों आज का ही ये अपडेट है, पैनल डिस्ट्रीब्यूशन CN1/2018 कैटेगरी नंबर 2 असिस्टेंट लोको पायलट डाउनलोड का यहाँ पे लिंक है। इसको मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। दोस्तों इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब डाउनलोड मैं ऑलरेडी कर रखा था, इसको चलिए मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं PDF आपका ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं कार्यालय महाप्रबंधक कार्मिक गोरखपुर यहाँ से है। साथ में दोस्तों किसको भेजा गया है, महाप्रबंधक कार्मिक दक्षिण रेलवे चेन्नई, मतलब चेन्नई बोर्ड वाले वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए एक यहाँ पे बहुत ही बुरी खबर है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सारा जो लेटर है वो सब मेंशन किया गया है। यहाँ पे टोटल कैंडिडेट्स की बात कर लें तो 51 कैंडिडेट्स का डाइवर्जन किया गया है, जो कि दोस्तों जनरल से हम बात कर लें 12, अनुसूचित जनजाति से 5, अनुसूचित जाति से 23 और OBC के दोस्तों 11 लोगों की यहाँ पे डाइवर्जन पैनल भेजा गया है। दोस्तों यहाँ पे पूरी लिस्ट मेंशन की गई है। अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो दोस्तों टोटल हम बात कर लें 54 लोगों का है। दोस्तों यहाँ पे आप नीचे लाइन देख सकते हैं जिसमें मेंशन किया गया है, जो पॉइंट नंबर 7 पे मनीष तिवारी जी हैं और 51 पे जयकरण सिंह जी हैं, ये चेन्नई जाने से मना कर दिए हैं। वहीं 37 नंबर एक कैंडिडेट दुर्भाग्यपुर से उसकी मृत्यु हो चुकी है, विनय बलवारिया की। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डाइवर्जन पैनल यहाँ पे दे दिया गया है। चेन्नई बोर्ड के कैंडिडेट्स के लिए एक बुरी खबर है, गोरखपुर के कैंडिडेट्स के लिए तो अच्छी खबर है क्योंकि उनका डाइवर्जन हो रहा है तो इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी तो उनको वेटिंग से फ़ायदा मिल सकता है। हाँ, बट कुछ दिन पहले मैं एक डाइवर्जन के लिए वीडियो बनाया था तो गोरखपुर के कैंडिडेट्स ने बहुत ज़्यादा उल्टा फीदा बोला था कि आपको नहीं पता डाइवर्जन नहीं होगा, हमारे यहाँ पे गोरखपुर में ही दे रहे हैं। बट दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइवर्जन कर दिया गया और दोस्तों इस बार चेन्नई किया गया है। तो दोस्तों आई होप यहाँ पे आपके सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कुछ डाउट बचता है तो दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको डाइवर्जन पैनल कितना गलत लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय।